हेलो फ्रेंड्स, खवांगणी सा गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आस्था परिधान के व्लॉग में आज फाइनली मैं आई हूँ इंट्रो करने के लिए। तो आज काफी सारा कलेक्शन मैं मेरे वाले व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। अगर आप सबने नहीं देखा है तो वो वाला व्लॉग भी देखना, और इस वाले व्लॉग को तो आप प्यार देते हो और ऐसे ही सपोर्ट हम सब पे बनाए रखना। अच्छा लग रहा है। ये रेड कलर में है, और ये कौन सा कलर है? पिंक गाजरी। गाजरी है क्या? गाजरी। ये रेड और गाजरी कलर के अंदर है। ये भी अच्छा लग रहा है कलर। कलर शेड सभी सुंदर है इसके, और ग्रीन और येलो ये वाला बाटिक सूट जो पहले दिखाया था ना आपको नीचे फर्स्ट में, वो पिंक और रानी का था। ये पिंक और रेड के साथ, ये पिंक और रेड के साथ है ना। ये भी अच्छा लग रहा है। इसका फुल स्टॉक है ना अवेलेबल है। अगर आपको शॉप के लिए भी परचेज करना है ना, तो शॉप के लिए भी कर सकते हो ना। शॉप के लिए येलो ऑरेंज, ये येलो और ऑरेंज में, ये देखो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और इसके जो बाटी है ना, वो रानी कलर के हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये रेड गाजरी, और ये रेड कलर में और गाजरी कलर में, ये भी अच्छा लग रहा है। कलर शेड खूब इसके, अच्छा खूब सारे हैं क्या? खूब सारे हैं। हाँ, 10 कलर आ गए कम से कम, है ना। ऑरेंज, ये पीच कलर में और ऑरेंज कलर में, और इसके जो बाटिक है वो है रानी कलर के अंदर। ये देखो रानी कलर में खिल रहे हैं। ये दिखा दिया था क्या मैंने आपको? हाँ, ये वाला दिखा दिया था। नहीं, वो येलो अलग आ रहा है, ये मस्टर्ड शेड आ रहा है। अच्छा, वो लेमन येलो था भाई, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। हाँ, चेंजेस। ये डार्क गाजरी कलर के है इसके जो बाटिक है, और उसमें रानी। हाँ, इसमें रानी है, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज भी चेंज है। इसमें रानी आ गई, इसमें गाजरी आ गया। सुंदर सूट। हाँ, ये फुल स्टॉक अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो, और स्क्रीन पे जैसे कि मैंने बताया रखे हैं नंबर आ रखे हैं आपको। इसकी हमारे पास स्टॉक है काफी, तो सोल्ड हो गया। अच्छा 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 ये है। हाँ, वही ये मैंने भी वेयर करा था, सपना ने भी करा था। ये सेंटून है ना? सेंटून है ये। ये सेंटून है, सेंटून। और ये वाला पर्पल कलर में भी काफी अच्छा लग रहा है। ये देखो सेम टू सेम जो हमने वेयर कर रखे ना, वही उसमें अपने कंट्रास्ट मंगजी है, इसमें ओलो और सेम मंगजी रहेगी। अच्छा, इसमें सेम मंगजी है, वो पैटर्न अलग है। अच्छा, ये अलग है अपना वाला, और ये अलग अलग है। हैंड डाई में है, लेकिन ये ओलो और जैसे मंगजी सेम आएगी इसकी, और अपने नहीं, ये भी अच्छा है। अभी वो जो वेयर कर रखा है, ये भी स्टॉक रेडी हो रहा है, ये भी सुंदर है। नहीं, अच्छा लग रहा है। ये ओढ़ना आएगा इसका, ये इसका ओढ़ना है। नहीं, अच्छा लग रहा है ये भी। अब एक बार स्टॉक कर दिया। ये वाला सूट भी काफी अच्छा लग रहा है, और ऑल ओवर सूट है ये चिनोन में। हाँ, एकदम लाइट वेट है ये, देखो बहुत लाइट वेट है। सीमा भाईसा ने तो सिलवा लिया है पहना नहीं, लेकिन टाइम नहीं मिला मेरे को। नहीं, अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट वेट है, वेट नहीं है ज्यादा। ये देखो इसका जो ओढ़ना है वो आपको मैं दिखाती हूँ। इसका जो ओढ़ना है वो तो रेडी होके अभी तक नहीं आया, बट ये ऐसे ओढ़ना आएगा। ये देखो सेम फ्लावर के जैसे, और ये पिंक का शेड हो गया, और रानी वाला फ्लावर वाला भी इसमें शेड कर दिया। अब इसके जो कलर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसका जो एक कलर तो ये वाला, ये देखो ये कलर भी काफी अच्छा लग रहा है, सुंदर है ये भी कलर। जो इसके ना ये बहुत सारा स्टॉक आया था मेरे पास, फ्लावर है ना, ये निकल के आ रहे हैं ऐसे लग रहा है ना। और ये है, ये कौन सा कलर है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। इलायची, ये वाला इलायची है क्या? इलायची शेड है। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। ओढ़ना देखो कितना सुंदर, सबसे मतलब ये ओढ़ने वैसे बहुत टाइम लगता है, बहुत सुंदर ओढ़ने। एक ओढ़ना खोल के दिखाते हैं, ये ऑरेंज वाला ओढ़ने की है ना, फुल गारंटी है, कलर नहीं जाएगा, और 2.5 मीटर से भी ऊपर ही मानो ना, इतना बड़ा ओढ़ना है। मेरी जैसी हाइट वाली के लिए तो ओढ़ना बड़ा ही चाहिए, बड़ा ही चाहिए। लेकिन देखो इनकी ये पोत भी अच्छा है ना, सुंदर। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। ओढ़ना भी चाहिए, मेरे क्या शॉप की यही खासियत है कि ओढ़ने छोटे नहीं, कस्टमर यही बोलते हैं जो भी आते हैं ना, कि ओढ़ने आपके फुल साइज बड़े रहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ओढ़ना काफी बड़ा है ये, ऐसे भी बड़ा है। देखो कितनी मतलब बढ़िया है इसकी, आप नीचे वाला छोड़ो इसका होना। हाँ, ऐसे ये देखो। नहीं, ओढ़ना कितना सुंदर लग रहा है, पोत भी अच्छा है, लगभग ये 260 के लगभग है। अब इसका जो एक लास्ट कलर है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। एक और कलर है ना ये वाला, पर्पल। पर्पल कलर, ये पर्पल कलर है, और थोड़ा थोड़ा सा मुझे तो वो भी लग रहा है कलर, पर कलर समझ में नहीं आता ना। लाइट पर्पल है, लाइट पर्पल है, चिनोन फैब्रिक है ना, इसलिए इसमें सब लाइट कलर्स ही हैं। और इसके जो कपड़े में है ना, ये देखो शाइन है, ये भी अच्छा लग रहा है काफी।
खुलने के बाद में और भी ज्यादा अच्छा लगता है ना वीडियो में, तो वीडियो में तो अच्छा आ रहा है क्या? थोड़ा डार्क आ रहा है पर उतना मतलब लाइट शाइन वाला फैब्रिक है ये। नहीं ये वाला काफी अच्छा लग रहा है, ये ट्रेंड में भी आजकल पता है, ये देख रही हूँ मैं तो इंस्टाग्राम पे छा गया ये वाला बहुत सुंदर। तो आपको परचेस करना है तो आस्था परिधाम को डीएम करो आप, और आस्था परिधाम को अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें, उनका यूट्यूब चैनल भी आस्था परिधाम के नाम से ही है। अब अपन थंबनेल के लिए फोटो ले लेते, हो गया मम्मी कलेक्शन? नहीं नहीं वो नहीं दिखाया ना, मोडल ऐसे ही दिखा देते हैं, पटाखे मम्मी खोलना मत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैंने सोचा आपको ये फिर से दिखा दूं। तो ये वाला मेरे पिछले व्लॉग में भी आप सबने देखा होगा और ये फिर से रीस्टॉक हुआ है, ये देखो काफी सारे कलर नहीं है इसमें, कलर ये ऑरेंज कलर और रानी कलर में स्टॉक है। और अगर आपको भी ये भी परचेज करना है तो आप कर सकते हो, काफी अच्छा है। इसका जो फैब्रिक है वो सेंटोन फैब्रिक है और सीक्वेंस में इसका काम जीरो सीक्वेंस वर्क है। अच्छा जीरो सीक्वेंस वर्क में है, 10 कली का है। और ये देखो इसका जो कुर्ती कांचली है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी काफी अच्छा लग रहा है ना, यूनिक सा हो गया। इस कलर की बहुत ज्यादा डिमांड रही तो मैंने फिर से वापस स्टॉक किया इसका। अच्छा इसका हाँ। जो रीस्टॉक हुआ है फिर से, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ओढ़ना भी बहुत सुंदर है इसका। वैसे इसका जो ओढ़ना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी मंगजी है ये वाली, और इसका जो ओढ़ना है ये वाला देखो ये अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है। कलर तो और शेड थे इसमें, पर्पल वगैरह का सब स्टॉक सब सोल्ड हो गया, लेकिन इस कलर की तो वो भी डिमांड है। अब आपको मैं मोडाल सिल्क दिखाती हूँ, उसमें भी काफी सारे मैंने स्टार्टिंग में वही दिखाया था आपको, अब उसके कौन कौन से कलर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक कलर मैंने लिया था पीच कलर, वो भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैंने आप सबको कलेक्शन मैंने भी दिखाया, वैसे सीमा भाई सा तो आपको दिखाते ही रहते हैं यूट्यूब चैनल पे, और मैंने जो परचेज किया है वो ये वाला है जो कि पीच कलर का है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने काफी सारे परचेज कर लिए तो ये वाला तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। वैसे तो कलेक्शन तो काफी सारे हैं और काफी यूनिक है, सारे अच्छे अच्छे हैं। तो अब ये वाला स्टिच होके आ जाएगा ना, फिर ये मेरे को मेरी आईडी पे भी मिल ही जाएगा, और इनकी आईडी तो मैं वैसे ही कोलैब कर लूंगी, तो आस्था परिधान की आईडी पे भी आपको मिल ही जाएगा। तो ये सिलने के बाद में मेरे ऊपर कैसा जाता है ये आपको 5-6 दिन के बाद में पता चलेगा। तो गाइस आज का व्लॉग चलो स्टार्टिंग ही मैंने की है तो एंडिंग भी मैं ही कर देती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट के जरिए प्यार देते रहना कि आपको हमारा जो यूनिक कलेक्शन है वो कैसा लगा, और सबसे ज्यादा आपको कौन सा वाला मेरा मैंने जो ये पीच कलर का तो लिया ही है, इसके मैंने काफी सारे कलर आपको दिखाए हैं, तो बताओ आप मुझे कि मेरा ये डिसीजन सही रहा या फिर मैं और कोई कलर लेती। ठीक है गाइस, चार पसंद करियो ना, रानी पसंद सी ओढ़ लीजिए, प्लेन दिखाऊंगी प्लेन।